हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी नाइन से। आज हम देखेंगे कि ब्राउन स्किन के लिए कौन सा हेयर कलर बेस्ट है, मतलब शेड्स और ब्रांड भी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको कौन सी यूज़ करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, मेरा उतना फेयर नहीं है मेरा स्किन, मतलब मीडियम टू फेयर में आता है, एकदम फेयर नहीं कह सकते हैं। तो मैं बहुत हेयर कलर यूज़ करती हूँ, बहुत हाइलाइट्स चेंज करती हूँ। मैंने पूरा ग्लोबल किया हुआ है, अभी डार्क ब्राउन किया हुआ है। तो जब अगर आपका स्किन कलर मेरे जैसा है, मीडियम टू फेयर है, तो आप लाइट ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। लाइट ब्राउन की शेडिंग्स सिर्फ आप महोगनी यूज़ कर सकते हैं, आप कैरमल कलर यूज़ कर सकते हैं। और जो लाइट ब्राउन रहता है वो एकदम ब्लॉन्ड नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा, ये जो मेरा कलर है अभी थोड़ा डार्क ब्राउन है, इससे लाइट होता है, ऑब्वियसली इससे लाइट होता है। तो आप जब कलर लेने जाते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें शेड्स डिफाइंड रहते हैं। तो अगर आपका कलर मेरे जैसा है, व्हाइटिश टू फेयर है, तो आप लाइट ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, महोगनी यूज़ कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा सा येलो अंडरटोन है, जिनका स्किन इतनी रेडिश नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं बर्गंडी कलर। जिन कलर्स में थोड़ा सा रेड टिंट होता है, वो आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा वाइन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपकी स्किन पेल है, एकदम पेल येलो है, तो उसमें थोड़ा कलर ऐड होगा, तो वो आपके स्किन टेक्सचर को और थोड़ा एनहांस कर देगा और आपका लुक थोड़ा और अच्छा आएगा। तो जब आप हेयर कलर यूज़ करें, जब भी सिलेक्ट करें, तो ध्यान रखें अपना, आपका स्किन टोन क्या है। आप अगर कूल अंडरटोन है, मतलब आप का थोड़ा रेडिश है स्किन, तो आपको थोड़ा लाइट ब्राउन, कैरमल, इस तरह थोड़ा ब्लॉन्ड फैमिली की तरफ, गोल्ड ब्राउन जो होता है उस तरफ के कलर्स यूज़ करने चाहिए। और जिनका पेल है, जिनके में मतलब ऐसा लगता है कि कलर ही नहीं है स्किन में, तो उनको थोड़े से रेड टिंट वाले कलर्स यूज़ करना चाहिए। वाइट हो गया, बर्गंडी हो गया, वाइन हो गया, तो ये कलर्स उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जिनका एकदम फेयर स्किन है, एकदम फेयर है, वो पूरा ब्लॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, उन पर वो बहुत अच्छा लगेगा, उनके स्किन कलर को और इन्हेंस करेगा। और जिनका थोड़ा ब्रिटिश से डार्क है, मतलब मेरी स्किन टोन से थोड़ा और डार्क है जिनका, उन्हें ये रेड कलर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप रेड अंडरटोन कलर यूज़ करते हैं तो आपका स्किन थोड़ा और डार्क दिखेगा। आपका नेचुरल, अगर आपका डार्क है स्किन कलर नेचुरली, तो आप का जो नेचुरल हेयर कलर है वो ब्लैक होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा आपका स्किन और ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। तो आप लाइट ब्राउन, कैरमल, महोगनी, आप ये सारे कलर्स यूज़ कीजिए। अगर आप रेड वेड यूज़ करेंगे तो थोड़ा और आपका स्किन कलर थोड़ा और डार्क दिखेगा। तो ये मैंने, और ब्रांड्स आप अगर चाहें तो मैंने किया है लॉरियल क्रेम कास्टिंग कलर यूज़ किया है, मैंने रेवलॉन का कलर यूज़ किया है, मैंने लॉरियल आनोवा कलर यूज़ किया था, और वो मेरी लाइफ का बेस्ट कलर था। मैं जब भी सैलॉन जाती हूँ तो मैं वही कलर यूज़ करती हूँ। अगर मुझे थोड़े टचअप करने होते हैं तो फिर मैं ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो रेवलॉन और लॉरियल कलर क्रीम कास्टिंग कलर है जो, वो तो मैंने वेला भी ट्राई किया है, बट मुझे वेला उतना सूट नहीं किया, पता नहीं क्यों लोगों को वेला के प्रोडक्ट सूट करते हैं, बट मुझे उसका शैम्पू कंडीशनर भी सूट नहीं करता है, तो इसलिए मुझे शायद हेयर कलर सूट नहीं करता है। आप के लिए सेफेस्ट ऑप्शन और चीपेस्ट जाना है, तो आप गोदरेज का जो क्रीम कास्टिंग कलर है विथ नो अमोनिया, वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप टचअप करने में कम्फर्टेबल हैं, तो विद इन अ मंथ अगर आपको टचअप करने में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप थोड़ा सा चीप ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। आप जब हेयर कलर देखें लें, तो आप हमेशा उसमें देखें कि लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट कलर लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको बार बार टचअप्स करना पड़ेगा। अगर आप ग्रे हेयर कवर करने के लिए कलर कर रहे हैं बाल, तो आपका जल्दी, ये जो रूट्स होते हैं हमारे, यहाँ से बाल आपके बढ़ते हैं, तो हमने कलर किया इतने बालों में, अब वो महीने भर में बढ़ गए,
तो जो उगे हुए बाल होते हैं जो आपके ग्रो हुए हैं उसमें कलर नहीं रहेगा, वो जो आपका एक्चुअली है, अगर वाइट है तो वाइट रहेगा, अगर ब्लैक है तो ब्लैक ब्राउन, जो भी नेचुरल हेयर कलर है वही रहेगा। तो आपको रूट टचअप्स करने पड़ेंगे, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें। थोड़ा आप ये रेवलॉन ट्राई कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छा लगा है मुझे, मैंने ट्राई किया है। तो मैंने बी ब्लेंड ट्राई किया, उससे मेरे बाल थोड़े फ्रिजी हो गए। एक्चुअली मेरा हेयर टाइप थोड़ा फ्रिजी है क्योंकि मैं शायद मैं इतने कलर्स यूज़ करती हूँ इसीलिए। बट कलर इज़ नॉट ओनली द रीज़न कि आपका बाल फ्रिजी या डैमेज है। कलर बहुत सेफ होता है, ऐसा नहीं है कि आप कलर आपके बाल को डैमेज करता है या उसकी वजह से झड़ रहा है, सिर्फ वो रीज़न नहीं है। हाँ, उसमें केमिकल्स होते हैं, पर आप नो अमोनिया यूज़ कीजिए। और जो मैं गोदरेज बोल रही हूँ उसमें एलोवेरा मिल्क पाउडर ये दोनों हैं, तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और उसमें अमोनिया नहीं है। और क्रीम कास्टिंग कलर है उसमें, वो एक्स्ट्रा ग्लॉसीनेस देता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, उस वो भी अमोनिया फ्री है। रेवलॉन है, रेवलॉन का उसका फ्रेग्रेंस ही बहुत बहुत ही अच्छा है। उसको ट्राई करने के बाद जो आप कंडीशनर लगाते हैं उसका फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छा है, तो आपको और उसको करने के बाद जो स्मूथनेस आपके बालों में फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कलर किया है और आपकी सडनली बालों की जो टेक्स्चर है, जो क्वालिटी है, वो और इम्प्रूव हो गई है। तो आप अपना सही हेयर केयर करें। अगर आप कलर करते हैं बाल, आपके बाल ग्रे हो गए हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप हेयर कलर के अलावा कुछ और कर सकें। तो आप सही शैम्पू, सही कंडीशनर, प्रॉपर ऑयलिंग, उसका पूरा प्रॉपर केयर करेंगे आप, तो ही आपके बाल हेल्दी रहेंगे। आपका डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हेयर कलर आपके बालों को ख़राब नहीं करता है, ये मिथ है। आप अगर सही डाइट रखेंगे, सही हेयर केयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपका हेयर कलर ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बाल अच्छे दिखेंगे। तो ये बेसिक कलर टाइप्स थे जो ब्रिटिश या ब्राउन स्किन गर्ल्स को सूट करते हैं। तो मैंने ख़ुद पे बहुत ट्राई किया, मैं बहुत कलर्स यूज़ करती हूँ। उसके पहले मेरे बाल ग्रीन थे, उसके पहले मेरे गोल्डन थे, उसके पहले मेरे रेड थे। तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, आपको सिर्फ ग्रे बाल कलर के कवर नहीं करने हैं, तो आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। आप अपने स्टाइलिश से पहले कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि आप जब कलर यूज़ कर रही हैं तो आपको ध्यान रहे कि आपका वो कलर पूरे महीने भर रहने वाला है। तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो एक बार किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।